हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर स्टार्टिंग ए न्यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 8.2। चैप्टर हमारा चल रहा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इट इज़ फ्रॉम क्लास 8 मैथमेटिक्स। चैप्टर का नंबर है 8। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ए मैन गॉट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी है, उसकी जो महीने की सैलरी है, एक महीने की जो तनख्वाह है, वो 10% बढ़ जाती है। 100 रुपये पे 10 रुपये बढ़ जाते हैं। इफ़ हिज न्यू सैलरी इज़ ₹1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। बढ़ने के बाद उसकी जो नई सैलरी है वो 1,54,000 रुपये है, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। हमें निकालना है कि बढ़ने से पहले, 10% बढ़ने से पहले उसकी सैलरी क्या थी। नई सैलरी है उसकी 1,54,000, इंक्रीज़ हुआ है 10%, और हमें निकालनी है ओरिजिनल सैलरी। जो चीज़ हमें निकालनी होती है वो हमारी राइट साइड जाएगी, ठीक है। लेट ओरिजिनल सैलरी, हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में बढ़ने से पहले उसकी सैलरी 100 रुपीज़ थी। आफ्टर 10% इंक्रीज़, 10% सैलरी बढ़ जाती है। अब नई सैलरी कितनी हो जाएगी, 100 रुपये पे 10 रुपये बढ़ जाते हैं। हमने उसकी ओरिजिनल सैलरी 100 रुपये माननी है, तो 100 रुपये पे 10 रुपये बढ़ जाएंगे, कितनी हो जाएगी, 110 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है। इफ़ न्यू सैलरी इज़ ₹110, देन ओरिजिनल सैलरी इज़ 100 रुपीज़। अगर बढ़ने के बाद जो उसकी नई सैलरी है वो 110 रुपये है, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी, 100 रुपये थी, और हमें क्या निकालनी है, ओरिजिनल सैलरी निकालनी है। तो ओरिजिनल सैलरी कहाँ आएगी, राइट साइड में आएगी, ठीक है, राइट साइड जाएगी ओरिजिनल सैलरी। लिखते वक्त ध्यान रखना है, जो चीज़ हमें निकालनी है वो हमें राइट साइड लिखनी है। इफ़ न्यू सैलरी इज़ 1,54,000, अगर उसकी नई सैलरी 1,54,000 रुपये है, तो ओरिजिनल सैलरी क्या थी, 100/110 इंटू 1,54,000, इसको हम काट देंगे, ठीक है, जीरो से ये जीरो कट जाएगा और हमारा बच जाएगा ये 15,400। इसको हम 11 की टेबल में काट देंगे, इस तरह से कट जाएगा ये, ठीक है, ये आ जाएगा 1400 और ये हमारा है 100। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी स्टार्टिंग में सैलरी कितनी थी, 1,40,000 रुपीज़। 10% बढ़ जाती है उसकी सैलरी और ये हो जाती है उसकी न्यू सैलरी 1,54,000। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑन संडे 8:45 पीपल वेंट टू द जू। संडे को जाते हैं चिड़ियाघर में 845 व्यक्ति जाते हैं, मंडे को केवल 169 आदमी जाते हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज। संडे को छुट्टी होती है तो बहुत ज़्यादा जाते हैं, लेकिन मंडे को तो स्कूल भी खुल जाते हैं, ऑफिसेज खुल जाते हैं, तो बहुत कम लोग जाते हैं, तो डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन हमें निकालना है परसेंटेज में। व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। परसेंटेज डिक्रीज निकालना है कि कितने परसेंट लोग सोमवार को कम गए। ऑन संडे पीपल वेंट टू जू, संडे को जाते हैं 845 पीपल, मंडे को जाते हैं 169। टोटल डिक्रीज कितना हुआ है, 845 में से हम 169 को माइनस कर देंगे, 676 डिक्रीज़ हुआ है। हमें निकालना है परसेंटेज डिक्रीज, इसका फार्मूला होता है डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100। डिक्रीज़ कितना हुआ है, 676, और ओरिजिनल कितना है, 845 इनटू 100, हम इसको काट देंगे। ये हमारा स्टार्टिंग में कौन सी टेबल में कटेगा देखेंगे इसको हम, ये हमारा स्टार्टिंग में 13 की टेबल में कट रहा है, 13 की टेबल में कटेगा, 13 5 65, इस तरह से हम इसको काट के देख लेते हैं, 676 13 35 65, 2 13 2 26, तो ऊपर आ गया हमारा 52। 845 को करेंगे, 845 को 13 से 78, ये आ जाएगा 6 5 13 5 65, ये हमारा 65 आ गया।
ठीक है। उसके बाद हम इसको 5 के टेबल में काट देंगे, 520 और 5, इसके बाद हमारा ये कटेगा 13 की टेबल में, 13 5 65 और ये हमारा 52 था, 13 4 52। अब हमारा ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया हमारा 5, अब ये कट जाएगा हमारा 5 1 5 5 20 आ जाएगा यहाँ पे ऊपर, 20 × 4 80% डिक्रीज़, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।